बाड़मेर का कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामला एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। आज से करीब एक माह पूर्व बाड़मेर के सदर थाने के पीछे रामनगर में कमलेश प्रजापत का एनकाउंटर बाड़मेर पुलिस द्वारा किया गया था, जिसके बाद कमलेश के परिजनों व समाज के लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि यह एनकाउंटर सही नहीं है और उन्होंने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया था। इस पूरे मामले को लेकर बाड़मेर सहित प्रदेश के कई जनप्रतिनिधियों ने भी सरकार से मांग रखी थी कि इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की जाए। उसके बाद कमलेश प्रजापत की पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने पाली एवं बाड़मेर पुलिस अधिकारियों के साथ प्रदेश के कई पुलिस अधिकारियों के नाम नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा था। वहीं इस पूरे मामले को सरकार ने गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच सीआईडी सीबी को सौंप दी है। वहीं सीआईडी सीबी के अधिकारियों एवं एफएसएल की टीम द्वारा आज बाड़मेर जिला मुख्यालय पर घटना स्थल पर पहुंचकर पूरे मौके का निरीक्षण किया गया, साथ ही पूरे घटना का रिक्रिएशन करवाया गया। आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस के एडीजी संजय अग्रवाल पिछले दो दिन से बाड़मेर जिले के दौरे पर है। संजय अग्रवाल ने भी बाड़मेर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के साथ आकर मौका मुआयना किया तथा पूरे घटना की जानकारी ली। इस दौरान जिस वक्त यह घटना हुई थी उसी प्रकार की सेम घटना वापस उसका रिक्रिएशन करवाया गया, किस प्रकार से यहाँ पर कमांडो द्वारा कमलेश पर गोली चलाई गई, किस प्रकार से गेट तोड़कर कमलेश गाड़ी लेके भागने की कोशिश कर रहा था, किस दौरान पुलिस का एक जवान कमलेश की गाड़ी के नीचे आ गया, ये सारी घटनाक्रम है इसका आज रिक्रिएशन कराया गया। और इस दौरान बाड़मेर के एसडीएम रोहित चौहान, तहसीलदार प्रेम सिंह चौधरी, पुलिस बाड़मेर पुलिस के अधिकारी, एफएसएल टीम के अधिकारी, सीआईडी सीबी के अधिकारी और एडीजी संजय अग्रवाल यहां मौके पर रहे, पूरे घटना का रिक्रिएशन करवाया गया। और अब इस पूरे मामले को लेकर सीआईडी सीबी की टीम जो इसकी रिपोर्ट होगी वो सरकार को सौंपेगी और उसके बाद सरकार इस पूरे मामले को लेकर निर्णय लेगी। बाड़मेर सहित पूरे प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको प्रत्येक प्रकार की खबर मिलती रहे। अब इस पूरे मामले को लेकर सीआईडी सीबी और राजस्थान सरकार क्या निर्णय लेती है, और हालांकि हाईकोर्ट में भी कमलेश प्रजापत की पत्नी की ओर से याचिका दायर की गई है, उस पर भी क्या निर्णय आता है ये आगे वाला आने वाला समय बताएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा, इसकी जांच चल रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त तस्वीरों में आपको नज़र आ रहे हैं संजय अग्रवाल एडीजी राजस्थान पुलिस के और बाड़मेर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा पूरे घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं और किस प्रकार से घटना घटित हुई थी ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। देखिए, पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा का कहना है कि जब कमलेश प्रजापत अपनी खिड़की से बाहर निकला तो पहले इस दीवार को लांघ कर भागने की कोशिश वो करने लगा था, लेकिन उसके बाद उसने यहाँ से वो कूदा नहीं और फिर अपने उसने गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से भागा था। तो ये पूरा घटनाक्रम आप देख सकते हैं। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये कमलेश प्रजापत के जो घर है उसके बाहर जो अपने वाहनों का गैरेज है उसका ये दृश्य है। और ये देखिए, ये घटना ये कमांडो द्वारा किस प्रकार से गोली चलाई गई थी ये घटना वापस उसका रिक्रिएशन करवाया जा रहा है। ये कमलेश प्रजापत की गाड़ी है जिसे कमलेश प्रजापत भागने की कोशिश कर रहा था। ये सारा घटनाक्रम यहाँ पर दोहराया जा रहा है, आप देख सकते हैं उसका पूरा रिक्रिएशन करवाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कमांडो गोली तान कर खड़े हैं, बंदूक तान कर, और उसके बाद एफएसएल की टीम है वो पूरे घटनाक्रम की यहाँ पर जांच कर रही हैं, पूरे उसके साक्ष्य जुटा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमने बाड़मेर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा से बात की तो आनंद शर्मा ने कहा कि रूटीन प्रक्रिया के दौरान जो एडीजी साहब है वो यहाँ पर आए हुए हैं और उसके बाद वो यहाँ आए हुए हैं तो वो कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले को लेकर भी वो घटनास्थल पर जाएंगे और वहाँ का निरीक्षण भी करेंगे। तो तमाम हमारे दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और बाड़मेर सहित पूरे प्रदेश की तमाम प्रकार की खबरों की जानकारी के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्रत्येक प्रकार की हर छोटी बड़ी खबर आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर बाड़मेर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने क्या कहा, हमने उनसे बात की तो वो बातचीत भी आपको सुनाते हैं। ये देखिए, ये रिक्रिएशन के लिए ये जो कमलेश प्रजापत का जो पुतला लेकर आए हैं इसमें भी पूरा रिक्रिएशन, पूरी घटना का रिक्रिएशन किया जाएगा। और आप देखते हैं एडीजी खुद यहां पर मौके पर है, एफएसएल की टीम है और सीआईडी सीबी के अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं।
पूरे घटनाक्रम का यहाँ पर रिक्रिएशन करवाया जा रहा है। तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत बहुत धन्यवाद। डी जी साहब आज बाढ़ में आए हैं कि किस प्रकार का निरीक्षण किया है और उस जो एनकाउंटर मामला था उसमें भी निरीक्षण करेंगे सर क्या? देखिए हमारे रेंज प्रभारी हैं संजय अग्रवाल साहब, तो वो जनरल जो एक रूटीन दौरा होता है उसके तहत बाढ़ में आए हैं और ज़िले में जो कोविड की परिस्थितियाँ हैं और जो पुलिसिंग के अदर इशूज़ हैं उसको लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की है। और जहाँ तक वो एनकाउंटर वाला केस है उसमें तफ्तीश सीआईडी सीबी कर रही है और उनकी टीम यहाँ पर जांच के लिए आई हुई है, तो वो सीआईडी सीबी द्वारा किया जा रहा है। चूँकि साहब यहाँ पधारे हैं, यदि उनका होगा तो वो एक बार वो मौका जो है घटनास्थल है उसको विजिट करें।